अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का एक ही विजन है कि आपको बड़े ही आसान 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 लफ्ज़ों में समझाना है क्रिप्टो करेंसी क्या है, शेयर ट्रेडिंग कैसे करनी है, टेक्निकल एनालिसिस की मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ। लेकिन आज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा हुआ था कि कमेंट्स में कि जी आप बहुत बड़ा इंट्रो देते हैं और उसकी जगह वो डिस्क्लेमर डाल दें, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल दिया। प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके ये पढ़ लें। आज की वीडियो का टॉपिक पे डायरेक्टली चलते हैं और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि मूविंग एवरेज क्या होती है। ये वीडियो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की, कभी चार्ट को हैंडल नहीं किया। चलें जी हम चार्ट पे चलते हैं। एनीवेज इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अभी हुए हैं सिर्फ 45 मिनट्स एंड आई एम डन विद माई इंट्रो, तो अब लंबे लंबे इंट्रो नहीं आएंगे, आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जी, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कैंडल्स का बता दिया। आपका ये ट्रेडिंग व्यूज के इंटरफेस का बता दिया, टूल्स कहाँ पर हैं, कैसे जूम इन करना है, कैसे जूम आउट करना है, ठीक है जी। अब आज मैं आपको एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ जो कि हर ट्रेडर यूज़ करता है, हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करता है। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊँगा अलग अलग से। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि मूविंग एवरेज कैसे इनेबल करते हैं और मूविंग एवरेज होती क्या है। अच्छा जी, मूविंग एवरेज बेसिकली जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एवरेज ये आपको एवरेज प्राइस देती है किसी खास टाइम पीरियड की। आप देखना चाहते हैं कि यार इस शेयर की 20 डेज़ की मूविंग एवरेज क्या है, प्राइस मूविंग एवरेज क्या है, इस शेयर की 50 डेज़ की कितनी है, 2 डेज़ की कितनी है, 20 डेज़ की कितनी है, 200 डेज़ की कितनी है, तो आप देख सकते हैं। जितने छोटे जितने कम नंबर हो, नंबर ऑफ़ डेज़ के आप मूविंग एवरेज देखेंगे तो उतनी तेज़ी से आपको वो मूव होती नज़र आएगी शेयर के साथ साथ। और जितने लंबे अरसे की आप मूविंग एवरेज देखेंगे उतनी स्मूथ लाइन आपको नज़र आएगी। नॉर्मली ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं ट्रेंड को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो इस वक्त अभी हमारे सामने चार्ट नज़र आ रहा है, इधर आपको नज़र आ रहा है कि जी इधर प्राइस गिरी है और इधर प्राइस ऊपर गई है, फिर गिरी और फिर ऊपर गई है। अब यहाँ से यहाँ तक तो साफ नज़र आ रहा है अप ट्रेंड है कि क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अगर आप थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं तो आपको इतना बड़ा अप ट्रेंड और ये साइडवेज में नज़र की तरह नज़र आ रहा है। मूविंग खाली मूविंग एवरेज को देख के आप बड़ी अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेज को की मूविंग एवरेज को देखा जाता है डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स को देखने के लिए, लेकिन कभी भी एक इंडिकेटर देख के आपने ट्रेड नहीं करनी और कभी भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर भी नहीं लगाने, अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना। हम जाते हैं जी इंडिकेटर्स में, यहाँ पर हम लिखते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अभी हम सिंपल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सपोनेंशियल का भी बता दूंगा कि एक्सपोनेंशियल क्या होती है। सिंपल मूविंग एवरेज हमने लगाई है और हमने कहा कि जी इधर मुझे इस मूविंग एवरेज की, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ना एक लाइन आ गई है, ये लाइन चल रही है शेयर के साथ साथ। इसकी हम सेटिंग्स में चले जाते हैं, मैं इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी ज़रा लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए, और इसको येलो कर देते हैं ताकि, और बल्कि वाइट कर देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा नज़र आए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज की ये मैंने सेटिंग कर ली, इनपुट क्या है 9 डेज़ की, इसकी लेंथ जो 9 डेज़ की, यानी कि आज से पिछले 9 दिनों की प्राइसेस को इसने इकट्ठा किया है और उसको डिवाइड किया 9 से, तो ये मूविंग एवरेज बन रही है। तो आप देख रहे हैं शेयर के बड़े करीब करीब चल रही है। इसी तरह अब अगर मैं इसको बिल्कुल 1 कर दूं तो बिल्कुल शेयर के साथ जुड़ जाएगी ये। इसी तरह अगर मैं इसी मूविंग एवरेज को 20 कर दूं तो ये देखें आप शेयर के साथ साथ चलती हुई नज़र आएगी। अब ये एवरेज है, अब यहाँ पर देखें कि अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ऊपर गई है, और यहाँ से ले कर यहाँ तक जो मूविंग एवरेज जो प्राइस की एवरेज है वो ये रही है, यानी कि 45 से 52 तक गई है। हालांकि प्राइस इन टोटल 60 तक भी गई है, लेकिन ये मूविंग एवरेज है जो कि आपको शेयर अगर की प्राइस उससे दूर भी हो जाए तो ये बिल्कुल शेयर के एग्जैक्ट डेली डे के साथ नहीं जुड़ी हुई एवरेज आपको शो कर रही है। एक्सपोनेंशियल की मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। अगर आप इसको इसके डेज आप बढ़ाते जाएंगे, आप इसको 50 कर देंगे, 50 कर देंगे तो आपको अब ये नज़र आ रही है। एक मिनट यार, मैं ना थोड़ा सा अब आप लोगों के लिए ज़रा इसको डिस्क्लेमर को हटा दूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो। और आप ये देखें कि
अब ये 50 डेज की मूविंग एवरेज है, थोड़ी और स्मूथ हो गई है। लाइक इधर आप ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है, इधर ये डाउन ट्रेंड में नज़र आ रही है। मैं ट्रेंड की बात क्यों कर रहा हूँ बार बार, बिकॉज इसको इसको देख के हम आगे अपनी ट्रेड्स को सेट करने वाले हैं। उसके बाद आगे आप चले जाएँ तो आप 200 डेज में चले जाएँ, 20 डेज, 200 डेज, 50 डेज को बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं। 200 की और ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी। इसको आप यही समझें कि जो 20-20 डेज है या छोटे नंबर्स की मूविंग एवरेज है, वो इस तरह है जैसे कार चल रही है, मोड़ रही है बड़ी तेज़ी से। जो जितनी लंबी ज़्यादा डेज की मूविंग एवरेज होती जाएगी, उतनी ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी, ऐसे जैसे ट्रेन की पटरी है, ट्रेन चल रही है। मैं अब आपको आसान लफ्ज़ों में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने टेक्निकलिटीज़ में जाना, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मैं आपको एंड पे ये भी बताऊंगा कि मैं मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं जी 200 डेज। अच्छा, मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि मैं जब भी कोई ट्रेड करता हूँ, मैं 200 और जो छोटे डेज की मैंने मूविंग एवरेज सेलेक्ट की होती है, अगर मेरी प्राइस उससे ऊपर है और अप ट्रेंड में है, तो फिर मैं एंट्री करता हूँ। होता यह है कि ये देखें, अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। छोटे डेज की हमने इसको हाइड कर दिया, अभी कम डेज की पकड़ ली हमने मूविंग एवरेज। अब ये देखें, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये एक बंदा यूट्यूब पर सिखाता है, मैंने इस वक्त 44 मूविंग एवरेज पकड़ी हुई है। आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं इस ट्रेड के अंदर, ये डेली का चार्ट देख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, इधर तक जाके आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर है, यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। मैं ये कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं सेपरेट वीडियो में करूँगा। अगेन, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल इट्स बैंड, ये बड़ी मशहूर जो उनसी है ना चीज़ चलती है। तो जो ट्रेंड है, डिफरेंट लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजी से करते हैं, मैं हमेशा अप ट्रेंड में ट्रेड करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग अपनी। अब ये देखें, ये यहाँ पर एंट्री बहुत खूबसूरत एंट्री बनती है, ऊपर गया ये, ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है आपको। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा और आप लोगों को ज़रा आसानी से समझ आइए। देखें, ये एंट्री बनती है, ठीक है जी, फिर ये एंट्री बनती है। अब आपने कम कम थोड़े टाइम में करी, थोड़े टाइम, मैं डेली चार्ट दिखा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। इधर देखें, ये एंट्री बनती है, हालांकि इधर हैमर आई है, ये ऊपर गया, ठीक है जी। डाउन ट्रेंड मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं क्यों आपको भी कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग हैं बिगनर, और अभी हमने डाउन ट्रेंड की ट्रेडिंग के अंदर नहीं घुसना। हालांकि यहाँ पर भी बनती है, ये भी सिखा दूंगा कि जब यहाँ पर प्राइस थी, इसको आपने कैसे फॉलो करना है। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ वो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ जो सेफ सेफ हैं। ये देखें, यहाँ पर ये एंट्री बनती थी, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, आपका स्टॉप गेन या टारगेट यहाँ पर कहीं पर टच हो जाना था। जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखें, ये एंट्री बनती है। कोई चार्ट खोल लें आप, कोई चार्ट को अपना आप कमेंट्स में लिखें, कौन से चार्ट पे देखना चाहते हैं आप। ये देखें, H&M का चार्ट खोलते हैं, ठीक है जी। H&M का हम चार्ट डेली खोल लिया, जब जब प्राइस मेरी मूविंग एवरेज से ऊपर आई, ये देखें, ये एंट्री बनी है, ऊपर गया। यहाँ पर मैं अगर एंटर होता, स्टॉप लॉस लग जाना था यहाँ पे, नहीं, ये डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं होना था। अच्छा जी, ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ पर एंट्री बनी है, ये कोई बहुत बड़ी जंप लगी यहाँ पर। अच्छा जी, डाउन ट्रेंड, नो नो वे, आई एम नॉट, अगेन डाउन ट्रेंड की भी हैं आपको, सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ कि मूविंग एवरेज जब आपकी प्राइस अप ट्रेंड में हो, मूविंग प्राइस अप ट्रेंड में हो और प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर हो, तो इट्स अ गुड चांस टू एंटर इन द मार्केट, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप इधर जाके एंटर हो, आपने इधर एंटर होना, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये बहुत खूबसूरत 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 एग्जाम्पल है, इधर देखें ज़रा कितनी प्यारी एग्जाम्पल बन रही है। यहाँ पर आप एंटर हो, ठीक है, यहाँ पर। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, यार ताबिश ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर एंटर होना है हमने। दैट्स अ स्ट्रैटेजी, दैट्स अ, ये आपने सीखना है, यही तो आप सीखने आए हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर एंट्री हो रही थी, कितनी ब्यूटीफुल एंट्री है, ये ऊपर गया, यहाँ पर एंट्री हो रही है, ये ऊपर गया। अब आप कहेंगे, यार ताबिश अब ये क्या बात दिखाई जा रही है, देखो यहाँ पर एंट्री हो रही थी, ये ऊपर गया। आप कहेंगे, यार ताबिश इसका मतलब है ये जो साइडवेज में चल रही थी, हम ट्रेड ही ना करें। करें यार, ट्रेड में मना नहीं कर रहा, उसकी स्ट्रैटेजी और है। इस वक्त हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आप अब कहेंगे, ताबिश यार अभी भी तो प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन ये बड़ी दूर चली गई है। यू नीड टू थिंक अबाउट अ मैगनेट स्ट्रैटेजी, जब ये प्राइस खींच के इसको वापस लाएगी। अब इसने इधर साइडवेज में चलना है या नीचे आना है, हमें नहीं पता। इस वक्त आप नीचे RSI देखें, कितनी ओवरबॉट हुई हुई है। ओए होए होए, आई विल नेवर एंटर इन दिस प्राइस, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग। हर बंदे का डिफरेंट स्टाइल है। और कोई चार्ट खोलते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, टेली का चार्ट खोल लेते हैं, टेली टू का चार्ट खोलते हैं जी। टेली टू
डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मूविंग एवरेज आपको बता रही है इधर, ये डाउन ट्रेंड में है ठीक है, ये साइडवेज शुरू हो गया, साइडवेज डाउन ट्रेंड, और जूम आउट करें तो यहाँ से लेके डाउन ट्रेंड साइडवेज डाउन ट्रेंड साइडवेज। अच्छा जी, अप ट्रेंड कहाँ पे था, अप ट्रेंड में ज़रा चले जाते हैं, ये देखें अगेन उधर भी हो सकती हैं ट्रेड्स, लेकिन वो दूसरे उसके तरीके हैं। ये देखें यहाँ पर एंट्री बनती है, इधर आप ऊपर जा सकते हैं ठीक है, वेट करें, यहाँ पर एंट्री बनती है, प्रॉबली जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री बनती है, इधर आप स्टॉप गेन कर सकती हैं, यहाँ पर बड़ी प्यारी एंट्री बनती है, ये फिर इट्स अ ब्यूटीफुल प्राइस गोइंग अप ठीक है। इधर देखें ये यहाँ पर आपने एंट्री की है, ऊपर गए स्टॉप, अपना टारगेट अचीव हुआ, फारे कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक। अगेन मैं आपको सिर्फ बता ये रहा हूँ कि अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ मूविंग एवरेज को ये सोच के समझें कि मूविंग एवरेज को देखकर आप ट्रेंड देख सकते हैं कि ये पिछले 10 दिनों में, 20 दिनों में, 50 दिनों में, 200 दिनों में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसमें हम 200 दिनों को टच करते हैं तो देखें ये 200 दिनों में भी अप ट्रेंड है और ऑलमोस्ट 50 डेज में भी अप ट्रेंड चल रहा है। इसमें अब हम अगर हम इसको कहते हैं कि जी नहीं हमें ना 20 दिनों का सिर्फ दिखा, 20 दिनों का ठीक है जी, वो अब ये देखें 20 दिनों में भी अप ट्रेंड था ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि यार मुझे और ज़्यादा सेंसिटिव डाटा चाहिए जो कि प्राइस के बिल्कुल साथ साथ मूव हो, तो फिर उधर आप एंटर करेंगे, अभी हम इनको गायब कर देते हैं ठीक है जी, इधर हम इनको गायब कर देते हैं, सॉरी इधर हम 200 वाली को उड़ा देते हैं, हम इधर एंटर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA बोलते हैं उसको, उसको हम 9 डेज का लेट्स लगाते हैं, और इसकी सेटिंग में जाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ यार इसको ना ज़रा मुझे एक ना थिक सी कैंड वो लाइन दिखा था कि, अब ये देखें, अब आप डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस यही मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, देखें ये 9 डेज की, अब ये देखें प्राइस के बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है, तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वो प्राइस को और ज़्यादा टाइटली रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप ये देखें यहाँ पर, ये देखें बड़ी प्यारी एग्जांपल है, ये यहाँ पर 44 डेज की मूविंग एवरेज कितनी नीचे है, प्राइस कहाँ पे गई हुई है, लेकिन एक्सपोनेंशियल उसके साथ साथ चल रही है। हम इनको अगर साथ ही इसको भी 50 कर दें, इनपुट इसकी 50 डेज की कर देते हैं ठीक है। अब ये देखें, अब लेकिन अब ये दूर हो गई उससे, ठहरे मैं क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल आप कम डेज में देखते हैं, ओए 509 दिनों में तो ना जा यार, 9 दिनों में देखते हैं ठीक है। जब आपने बहुत ज़्यादा टाइटली प्राइस की एवरेज देखनी होती है तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं। अच्छा जी, अगेन एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक अलग से आप यूट्यूब देख के आप दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं। ओवरऑल मकसद ये था इस वीडियो का आपको सिखाने का कि जो मूविंग एवरेज है वो बेसिकली दिखाती है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब ये देखें यहाँ पर आप कहेंगे नहीं नहीं यार अभी यहाँ से तो यहाँ तक अप ट्रेंड हुआ था, लेकिन ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड था इन नंबर ऑफ डेज के अंदर ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ी देर के लिए ऊपर गई है प्राइस, लेकिन फिर डाउन ट्रेंड ठीक है, और जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड में आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने तब वेट करना है जब प्राइस अप ट्रेंड में होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वो अपनी ट्रेड रिकॉर्ड भी की है, और वो मेरी ट्रेड जो सी वो मैंने विन की है, और वो मैंने इसी स्ट्रैटेजी पे चल के विन की है। थोड़े ज़रा ये डेज पे आ गया, ए आ जा भाई आ जा आ जा आ जा, हम और नीचे कर देते हैं ठीक है। ये देखें यहाँ पर मेरी एंट्री थी, मैंने किस डेट को की है वो अभी मैंने पब्लिक नहीं की वीडियो, मेरे ख्याल से मैंने ना इधर मेरी एंट्री थी, मैंने रिकॉर्ड की हुई, आई थिंक इट वॉज एन एंट्री हेयर ठीक है। यहाँ पर मैंने एंटर किया और यहाँ पर मेरा गेन हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ उसको। अगेन यार इस वीडियो में आपने ये नहीं देखना कि कैसे किया था, आप इसने सेलेक्ट कैसे किया, यहाँ पर कैसे किया और यहाँ पर क्यों नहीं किया,
सिर्फ आपने ये सीखना है कि मूविंग एवरेज क्या होती है, उसको सेट कैसे करना है। इधर इंडिकेटर में जाके आपने मूविंग एवरेज लिखना है। आगे वीडियो RSI की भी ला रहा हूँ मैं, एक्चुअल ट्रू रेंज की भी ला रहा हूँ। ये जो नीचे रेड सी लाइन आपको नज़र आ रही है, एक्चुअल ट्रू रेंज क्या होती है, तो वो मैं आपको लदा लदा वीडियोस में दिखा दूंगा। ये टेक्निकल एनालिसिस में थोड़े से आपको टूल 10-12 टूल, नहीं 10-12 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5-6 टूल सीखने हैं आपको, और उसके बाद यू विल बी रेडी टू एक्चुअली प्रैक्टिस योर ट्रेड्स। और फिर आप कुछ अरसे के बाद अपनी रियल मनी के साथ भी ट्रेड करना सीख जाएंगे। और प्लीज़ किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो सिर्फ उसी के ऊपर चलें, 10,000 टूल बीच में और लगा के और 10,000 और स्ट्रैटेजीज को मिक्स करके गड़मट ना करें, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजीज ठीक होती हैं लेकिन यू हैव टू स्टिक विद वन, ठीक है। और अगर एक ट्रेड में आप एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर उसी के साथ स्टिक रहना है, बाकी फिर आपने अगर किसी और स्ट्रैटेजी के साथ करें, जैसे एक RSI की स्ट्रैटेजी है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है, उसमें इन बनता है आपने यहाँ पर आपने एंटर होना, दैट्स इट। जब RSI आपकी 40 से सपोर्ट लेगी तो आपने एंटर होना, दैट्स इट। और उसमें आपने अप ट्रेंड को कौन से कितने घंटे वाले चार्ट के साथ देखना और कितने डेज की मूविंग एवरेज के साथ देखना, ये 2-3 चीज़ें आपने मिक्स करनी है, आपको आपकी एंट्री पता लग जाएगी, एग्जिट भी बता दूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन उसके साथ आप ये वाली स्ट्रैटेजी को मिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना ना तो थोड़ी सी लंबी होंगी यार वीडियोस, उसके लिए एक्सक्यूज़ है। लेकिन 3-3, 4-4 मिनट्स की वीडियोस देख के ना आपको डेफिनेशन तो समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है, ताकि जब आप अपने सामने चार्ट खोलें तो आपके सामने नज़र आ रहा होगा यार ये मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ले यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे लिए दुआ कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।